Subscribe and press the bell icon for latest update. शामली में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में काफी गुस्सा है। शामली के एक गांव में जहां 3 पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि वो नशे में धुत होकर जूतों सहित मस्जिद में घुस गए और मस्जिद में आई जमात के साथ गाली गलौज की। इस मामले पर मस्जिद के इमाम का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं जी, मैं यहाँ पे मस्जिद का इमाम हूँ जी, और रात करीब 12 बजे की बात है, 3-4 पुलिस वाले मस्जिद में अंदर आए, उन्होंने किवाड़ खटखटाए, पड़ोसी एक पास में उठा, उसने पूछा तुम कैसा आए, मैं जूता पहन करके अंदर मस्जिद में दाखिल हो गए, बाहर विदेश से नेपाल की जमात आई हुई है, उन्होंने उनके साथ में गाली गलौज करी, बदतमीजी करी, उसके बारे में सामान भी चेक करा, उसके बारे में यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसके बारे में पूछताछ चल रही है। वहीं नेपाल से जमात में आए शख्स का क्या कहना है, इस बारे में सुनिए। जी जी, क्या हुआ रात आपके साथ? रात हमारे साथ ये बात हुआ कि पुलिस आए और दरवाजा खुलवाए 12 बजे रात को जी। और मस्जिद का नाम बोले थे कि जूता निकाल का मस्जिद में ढोको, वो जूता नहीं निकाला, इसी तरह मस्जिद के अंदर घुस गया, जूता पहन ले और हमको सामान को हेर फेर करने लगा और हमके बेतमीजी बात किया, गाली गलौज में दिया। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज में पहले से ही दंगे की वजह से झुलस रहा है, ऐसे में पुलिस और प्रशासन बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। SPNI न्यूज रूम की रिपोर्ट।